हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे यामा YZF R15 V3 और मैंने इसकी जो वर्शन लिया है डबल चैनल ABS। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस गाड़ी को अभी के टाइम में लेना है तो क्या इसकी एक्यूरेट एक शोरूम प्राइस होगा, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और इसमें आपको RTO प्लस इंश्योरेंस प्लस अदर टैक्सेस जोड़ने के बाद क्या इसकी एक्यूरेट ऑन रोड प्राइस होगा, इसके बारे में इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और अगर आपने इस बाइक को फाइनेंस करना है तो क्या इसकी फाइनेंस डिटेल होगा, इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। और इस गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशन है, जैसे इंजन CC, फ्यूल टाइप, मैक्स पावर, मैक्स टॉर्क, फ्रंट ब्रेक टाइप, तो सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करके बने रहना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यामा YZF R15 V3 की जो स्पेसिफिकेशन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बाइक की जो माइलेज कंपनी क्लेम करता है 42 किलोमीटर पर लीटर। तो फ्रेंड्स, इस बाइक का जो इंजन CC होगा 155 CC इस बाइक में देखने को मिलेगा। फ्यूल टाइप होगा पेट्रोल। तो फ्रेंड्स, इस बाइक का जो मैक्स पावर की बात करें तो 18.37 BHP एट द रेट 10,000 RPM इस बाइक में देखने को मिलेगा। और मैक्स टॉर्क जनरेट होता है 14.1 Nm एट द रेट 8,500 RPM। और इस बाइक का जो इमिशन होगा BS6 और फ्रंट ब्रेक टाइप होगा डिस्क ब्रेक और रियर ब्रेक टाइप होगा डिस्क। तो इस बाइक में दोनों व्हील में डिस्क ब्रेक है फ्रेंड्स। और इस बाइक का जो कार वेट होगा 142 किलोग्राम्स। तो फ्रेंड्स, इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है 1,49,239 रुपीस इन पुणे। मैंने इसकी प्राइस पुणे से लिया है। और इस बाइक का जो RTO अमाउंट होगा 17,345 रुपीस। इंश्योरेंस चार्जेस देना होगा 10,789 रुपीस। और इसमें आपको अदर चार्जेस देना होगा 900 रुपीस। तो कुल मिला के इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस होगा 1,78,273 रुपीस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस बाइक को फाइनेंस करना है तो आपको डाउन पेमेंट देना होगा 40,000। लोन अमाउंट बनता है इस बाइक का 1,38,273 रुपीस। अगर आपने जिस कंपनी से इस बाइक को फाइनेंस कर रहा है उस कंपनी के रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 11% होगा तो मैंने इसकी टाइम लिया है 3 ईयर 36 मंथ के लिए। EMI देना होगा 4,526 रुपीस पर मंथ आपको पे करना होगा कंपनी को। तो दोस्तों, अगर आपने इस बाइक को लेना है पुणे से तो यही प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई अदर सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट की आंसर देने का पूरा कोशिश करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। Thank you very much.